नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल विद न्यू वीडियो। थंबनेल आप लोगों ने देखा, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हड्डियां क्यों नहीं जुड़ती हैं या क्यों नहीं जुड़ रही हैं। इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला कि आपका डाइट सही नहीं है, दूसरा कि आपकी मेडिसिंस प्रॉपर अच्छे से आपने ना लिया हो, और तीसरा कि आपके बोन में इन्फेक्शन वगैरह हो। यह दो तीन कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ नहीं जुड़ रही हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में हम लोग डॉक्टर से एडवाइस लेने के अलावा या डॉक्टर के पास जाके उनसे कंसल्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर भी इस चीज़ को, जैसे मान लीजिए अगर आपका फ्रैक्चर आज हुआ है, टीबिया फेबुला का हो या फीमर का हो या हाथ का हो चाहे कहीं पर का भी हो, अगर वो फ्रैक्चर होने के बाद आपने सर्जरी करवाई, सर्जरी करवाने के बाद डॉक्टर 2 महीना 3 महीना वेट करता है। मेरे वाले केस में ऐसा हुआ था कि मेरा जो फीमर वाला जो बोन टूटा था, टीबिया फेबुला वाला तो जुड़ रहा था और फीमर वाला जो बोन था वो भी जुड़ रहा है, लेकिन इसके बारे में मेरे को डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर मान लीजिए ये बोन अगर जुड़ने में इसको टाइम लगता है या समय लगता है, तो इसको हम लोग तुरंत तत्काल कुछ नहीं करेंगे, इसको 2 महीना 4 महीना या 5 महीना या 8 महीने तक, मेरे को तो 8 महीने तक बोला गया था कि 8 महीने तक हम लोग वेट करेंगे। इन 8 महीनों के बीच में भी अगर आपका नॉन यूनियन होता है, फीमर वाला बोन मतलब जुड़ता नहीं है, तो उसके बाद फिर हम लोग कुछ करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मेरे को तो ये भी कहा गया था कि हम लोग 8 महीने तक वेट करेंगे। तो कुछ कुछ कंडीशन में डॉक्टर लोग 8-8 महीने तक भी वेट करते हैं, जिसका पूरा खामियाजा या जिसका पूरा परेशानी पेशेंट को ही भुगतना पड़ता है, पेशेंट के ऊपर ये सारी बातें आती हैं। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जिसका फ्रैक्चर होता है वो इंसान कैसे सरवाइव करता है, उसका एक एक दिन कैसे कटता है और किस परेशानी में वो गुजारता है अपने दिनों को, खासतौर पे जो चल फिर ना पाए या बाथरूम। मेन तो आता है आपका टॉयलेट और बाथरूम पे, टॉयलेट और बाथरूम भी अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग रहता है किसी के लिए भी, कि 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन या महीना भर तक का समझ में आता है कि 1 महीने तक अपन बिस्तर में रहे या 1 महीने तक का कुछ ट्रीटमेंट वगैरह चला या बीमारी रही तो 1 महीने बाद अपन ठीक हो जाएं, और सीधा ये चीज़ें टॉयलेट वाली शौचालय वाली जो भी मतलब प्रक्रिया है वो अपन स्वयं से कर सके तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसका ये फ्रैक्चर वाले केस में ऐसा होता है कि आपको 4-4 महीने 5-5 महीने तक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है इस चीज़ के लिए, तो वो काफ़ी एम्बेरसिंग रहता है, वो जो अच्छा नहीं लगता लोगों को या पेशेंट को। तो वो चीज़ मेरे साथ भी घटी है, लेकिन मेरा हीलिंग प्रोसेस सही रहा है अभी तक, तो वो सही चल रहा है। लेकिन किन्हीं के केस में ऐसा होता है, उनको काफ़ी लंबे समय तक वेट करना पड़ता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हड्डियाँ जुड़ती क्यों नहीं है। तो तीन चार कारण हो सकते हैं आपके, कि आपका खान पान सही नहीं है या आपकी दवाई प्रॉपर अच्छे से नहीं चली हो, तीसरा आपका इन्फेक्शन मतलब हड्डी में इन्फेक्शन वगैरह हो या आपका घाव वगैरह में अंदर में कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो। तो ये 3-4 कारण है जिसकी वजह से हड्डियाँ जल्दी कह सकते हैं। तो डॉक्टर के एडवाइस से ही बच सकते हैं, समय रहते ही आप डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट करें। शुरुआती दिनों में जब आपका फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर होने के 10-12 दिनों तक तो अपन हॉस्पिटल में ही रहते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आपको ये करना है कि जैसे डिस्चार्ज होने के बाद तकरीबन 1-2 महीने के लिए डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं, उसके बाद डॉक्टर खुद ही बोलता है कि आप मेरे पास 2 महीने के बाद आइए या 1 महीने के बाद आइए, आपकी कंडीशन, आपके एक्सरे के कंडीशन को देख के डॉक्टर आपको खुद ही एडवाइस कर देता है कि आपको 10 दिन में आना है, 15 दिन में आना है, महीने भर में आना है। तो डॉक्टर के एडवाइस पर आपका सबसे पहला ड्यूटी ये कि आप डॉक्टर के एडवाइस से चलें। अगर डॉक्टर तुम आपको 1 महीने बाद बुलाता है तो आप 1 महीने बाद जाएँ। अगर आपको 1 महीने बाद पैसे का इशू है या कुछ खर्च का प्रॉब्लम आता है तो 1 महीने से 10 दिन आप ज़्यादा ले लें, मतलब 30 दिन के बाद अगर आपको जाना है तो आप 40 दिन के बाद जाएं। लेकिन उसको ज़्यादा लंबा गैप मत करें कि अगर आपको 1 महीने बाद बुलाया तो आपको 2 महीने बाद जाना, ऐसा ना करें, डॉक्टर के कहने के अनुसार ही चलें, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर क्योंकि बेवजह कभी नहीं बुलाते हैं, सारे डॉक्टरों को तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वो आपको बेवजह कभी नहीं बुलाएगा, आपके फ़ायदे के लिए ही आपको बुलाएगा कि आपको कभी आना, आपके फ्रैक्चर के एक्सरे के अकॉर्डिंग ही वो आपको बुलाएगा। तो डॉक्टर के एडवाइस से बिल्कुल चले, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर तो आपको सारी चीज़ें बता ही देंगे, उसके बाद भी आपको अपने डाइट का बिल्कुल ख्याल रखना है, प्रॉपर नींद लेनी है, टाइम से उठना है, टाइम से दवाइयाँ लेनी है, और टाइम से ही आपको
एक्सरसाइज करना है और टाइम से ही आपको सारी चीज़ों को फॉलो करना है। तो इसमें टाइमिंग का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर टाइम से आप टाइम को अगर ध्यान में नहीं रखेंगे ना, तो आपको जैसे मान लीजिए 10 दिन में जो चीज़ें होने वाली हैं उसको आप 15 दिन तक ले जाएंगे, मतलब 10 दिन में जो राहत मिलने वाली है आपको 15 दिन में मिलेगी, या हो सकता है उससे और लंबा चला जाए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपकी ये हड्डी जल्दी जुड़ेगी। और जैसे मान लीजिए बिल्कुल ही नॉन यूनियन है तो उसका तो एक ही उपाय है, अगर मान लीजिए हड्डी जुड़ी नहीं रही है तो फिर सीधा आता है बोन ग्राफ्टिंग के ऊपर, जिसमें हड्डियों का चूरा जो होता है ऑपरेशन करके हड्डियों का चूरा उस क्रैक में भरा जाता है, जिससे फिर बोन हीलिंग जल्दी होने लगती है। तो वो कंडीशन को आपको फेस ना करना पड़े, इसलिए 3-4 चीज़ों का ख्याल रखें आप। लेकिन अब फिर भी अगर आप उस कंडीशन तक पहुँच ही गए हैं कि आपको बोन हीलिंग कराने के लिए अब ग्राफ्टिंग करानी पड़ रही है, तो फिर ऑपरेशन ही एक रास्ता है। उसको भी कराने से आप डरे नहीं, बिल्कुल आप करा सकते हैं, उसमें कोई डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कराया है और उसको करा के बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी रिकवर भी हुए हैं और अच्छी तरीके से ठीक हो चुके हैं। तो उसको कराने में बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपकी नहीं हो पा रही है, रिकवरी हीलिंग नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल आप ग्राफ्टिंग करा सकते हैं। और डॉक्टर अगर आपको बोलता है हीलिंग ग्राफ्टिंग कराने के लिए, तो आपके कंडीशन को, आपके फ्रैक्चर के कंडीशन को देख के ही वो बोलता होगा कि आपको ग्राफ्टिंग कराने की ज़रूरत है, तो आप वो बिल्कुल करा सकते हैं। बाकी हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, हड्डियाँ जुड़ने में कोई परेशानी नहीं है। ये फ्रैक्चर होने से लेके जब तक आप खड़े नहीं हो जाते, जब तक आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, तब तक की ये जो लड़ाई है ना, यही आपको परेशान करती है, यही नेगेटिविटी लाती है आपके दिमाग में कि शायद अब ऐसा हो जाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा, मैं प्रॉपर पहले जैसा नहीं हो पाऊँगा, कैसे सर्वाइव करूँगा, कैसे चलूँगा, कैसे फिरूँगा। बहुत सारे लोग तो जिनकी फैमिली होती है, मतलब अपने काम धाम के समय में ही उनके साथ इस टाइप का हादसा, और ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हैं। जिनके बाल बच्चे होते हैं कि यार मैं देखो मेरे 2-3 दिन बाल बच्चे हैं और मेरा काम सारा बंद पड़ा है, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, मेरे बच्चों को क्या खिलाऊँगा, क्या पिलाऊँगा, कैसे अपनी फैमिली को आगे ले जाऊँगा, यह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच सोच के वो लोग नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो अगर इस तरह के जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ये सब को सोच के आप बिल्कुल नकारात्मक बिल्कुल ना सोचें, नेगेटिविटी मत लाएं अपने मन में, आप बिल्कुल ठीक होंगे, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। क्योंकि भगवान ने ये हादसा आपके साथ जो आपको दिया है, ये जो घटना हुई है आपके साथ, ये किसी वजह से हुई है। और वैसे भी गीता को हमने हमारे पुराणों में लिखा हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है ये जो चीज़ है आपके जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए या कुछ बेहतर सुधार करने के लिए लाया हो, या आपको बेहतर कुछ सिखाने के लिए ये परिस्थिति आई हो आपके मन जीवन में। तो वो सब चीज़ों को सोच के कभी ना हताश ना हो, निराश ना हो, नेगेटिविटी मत लाएं अपने मन में, बिल्कुल पॉजिटिव रहें। ठीक आप बिल्कुल होंगे, अगर आपको चोट लगी है तो, अगर आपको चोट लगी है, आप जीवित हैं तो बिल्कुल ठीक होंगे। उसमें समय थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, कम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ठीक आपको बिल्कुल होना है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो हड्डी बिल्कुल जुड़ जाती है, एक दिन एक ऐसा समय आता है। आजकल ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो चुका है, हर चीज़ का, हर समस्या का हल है, बशर्ते यह है कि आप सही व्यक्ति के पास अपना इलाज करवा रहे हो, सही डॉक्टर के पास आप अपना इलाज करवा रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखें, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, डॉक्टर सही चुनना है, डॉक्टर से इलाज अच्छे से कराना, मतलब सही डॉक्टर से इलाज कराना है और सही हॉस्पिटल चुनना है, बस इतना ही का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, घबराएं नहीं। तो चलिए, एक ना एक दिन आपकी हड्डी आराम से जुड़ेगी, आप भी बिल्कुल अच्छे से चलेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ करता हूँ वीडियो का एंड, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातों के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।